हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अरेबियन राइस। और सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, अपने घरों में खुश हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो मैंने कहा रमज़ान की बहुत अच्छी सी रेसिपी दी जाए, टाइम को वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ, ये आपको बोनलेस चिकन दिख रही होगी, ये बोनलेस नहीं थी, इसको मैंने बोनलेस की है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिक्का सीख कबाब। आप लोग तिक्का मसाला भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने डाल दिया है, सही है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा हम इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, ताकि जो इसका अरोमा है वो एग्जैक्टली वैसी ही रहे। यहाँ मैंने डाल दिए 3 टेबल स्पून दही, ये आपको जिस तरीके से दिख रहा है। अब इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे और फिर अब बनाएंगे हम इसके साथ सब्ज़ी की पुलाव। सब्ज़ी की पुलाव हम साथ बनाएंगे, उसके ऊपर टॉपिंग करेंगे हम इस चिकन की, तो बेहतरीन सा जो है वो ये तैयार हो जाएगा। और बहुत अच्छी एक इफ्तार की डिश है, जब कुछ नहीं करना चाह बनाना दिल हो तो आप इसको बना के लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो ये मैरिनेशन जो है वो हो गई है, इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी और ज़्यादा, सिर्फ नमक इसमें ऐड करना है। और जो आपके सामने जो है वो ऐड हो रहा है हसबे ज़ायका, जितना आप लोग को बेहतर लगे। और साथ में थोड़ा सा जो हम इसमें डालेंगे जो है पिसी लाल मिर्च। पिसी लाल मिर्च मैं डालना नहीं चाह रही क्योंकि छोटे बच्चे भी खाएंगे, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है टेस्ट के लिए हम डाल देते हैं। ये पिसी लाल मिर्च जो है वो डल गई है। धनिया पाउडर थोड़ा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा इसका जो फ्लेवर है। और धनिया पाउडर हो गया, ये चीज़ हो गई, हल्दी नहीं डालेंगे हम। तो ये जो है वो ज़बरदस्त सी मैरिनेशन जो है वो हो गई है आप लोग के सामने। 1 टेबल स्पून जो है वो दही हम इसमें और ऐड कर देते हैं। टेबल स्पून का आप साइज़ देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो गई है। बस इसको रखेंगे, साथ में काटेंगे अब सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ काट के हम पुलाव बनाएंगे। पुलाव नहीं है, बेसिकली जो है सब्ज़ियों की बिरयानी है वो, और उसके ऊपर जो है हम टॉपिंग देंगे इस चिकन की। तो ये अरेबियन राइस बहुत अच्छे बन जाएंगे। आप चाहें तो मायो और केचप के ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। चलें अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। अच्छा जी, ये सोनी सोनी सी सब्ज़ी हमारी आप लोग के सामने दिख रही है जो कट चुकी है, प्यारी प्यारी सी, ये सोनी सोनी सी अल्लाह की कुदरत है। तो ये जो है आपकी मर्ज़ी, आप जिस शेप से भी काट सकते हैं, मैंने शेप से काटा है। और साथ में मैरिनेशन हो गई है हमारी रेडी, कंप्लीट हो गई है। बस इसको हम जो है वो इसमें हल्के से ऑयल में, इसको ऑयल कम करूँगी और इस ऑयल में डाल के इसको जो है हम रख देंगे, फिर कोयला लगाएंगे और इसको हम जो है वो बिरयानी की तरह कुक करेंगे, बिरयानी का मसाला डाल के। आगे का जो प्रोसीजर होता है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ हमारी मैरिनेटेड चिकन जो थी उसको ऑयल में डाल के पका लिया है। तो यहाँ जो है वो धुआँ लगा हुआ है, धुआँ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है ज़बरदस्त वाला धुआँ इसमें मैंने लगाया है, स्मोक से पता चल रहा है। बस मैरिनेशन दिखा रही थी, उसके बाद 2 टेबल स्पून में आप चिकन को डाल के इसको पका लें और पकने के बाद जो है वो स्मोक लगा लें। अच्छा, यहाँ सेकंड उस पर हमारा जो बन रहा है वो बन रही है चाइनीज़ अरेबियन राइस के जो राइस हैं वो बन रहे हैं। ये बनेंगे सिंपल बिल्कुल बिरयानी की तरह। इसमें मैंने जो है वो 2 प्याज डाल दी हैं, इसको मैं ब्राउन होने का वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर गरम मसाला और ज़ीरा डालूँगी और टमाटर डाल के इसको बिल्कुल वैसे ही पकाया जाएगा, बिरयानी मसाला डाल के जैसे बिरयानी का होता है। लेकिन बस थोड़ा सा स्पाइस कम रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो चिकन में स्पाइस है इस वजह से, तो उसको आपको बैलेंस करना, आपको ख़ुद को पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको बैलेंस करें। अच्छा जी, तो अब कंडीशन ये है, इसमें मैंने डाल दी है आलू, 3 टमाटर और प्याज डाल के और अदरक लहसुन डाल के इसको जो है जब अरोमा आ गया, खुशबू आ गई, तो उसके अंदर मैंने टमाटर और ये डाल दिए। इसके अंदर डाले मैंने जो 1 चम्मच बिरयानी मसाला और 1.5 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच सूखा धनिया और हसबे ज़ायका नमक और 1/2 चम्मच हल्दी। ये जो है इसका मसाला बन रहा है राइस का। और इसके साथ
साथ साथ जो है हमारी वेजिटेबल्स भी हो गई हैं। वेजिटेबल्स जो है वो हमारी ये नहीं, इसको हमने सौते कर लिया है, जो सबसे एंड में जो है वो ऐड होगा जब दम पे लग रहा होगा, तो जब ये होगा क्योंकि ये सब सौते हुई हुई है, तो ये एंड में ताकि इसका जितना भी पानी, इसमें से जो जितना भी एक्सट्रैक्ट निकलता है वो पानी में जमा हो जाए और इसका जो है बहुत मज़े का टेस्ट आए। सही है। साथ साथ में जो है ये हमारी हो गई है यहाँ चिकन। चिकन आपको दिख रही है, लाइटिंग थोड़ी कम है, तो चिकन जो है ये हमारी हो गई है। अब इसकी जो सर्विंग है वो इंशाल्लाह भी आपको करके दिखाते हैं इसकी सर्विंग क्या है, कैसे होगी। अच्छा जी, अब रायते की बारी है और रायता थोड़ा स्पेशल है। इसका रायता है, उसके अंदर जो है वो इसी चॉप करके छोटी सी प्याज डालती है, और ये जो आपको काला काला दिख रहा है ये ब्लैक पेपर है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, 3 से 4 ब्लैक पेपर जो है उसको कूट के जो है डाल लें, और थोड़ी सी इसके अंदर डाल जाएगी चीनी, नमक और चीनी। थोड़ा सा मीठा सा रायता बनता है इसके साथ, और ये मेरी अपनी ही तकलीक है और मैंने खुद बनाया है ये, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है इन राइस के साथ। अब इंशाल्लाह जो है आपको सर्विंग करके दिखाएंगे कि ये बहुत मज़े का अफ्तार का एक मेन्यू है जो अफ्तार में बनाया जा सकता है। रायते को थोड़ा सा पतला करेंगे और इस तरीके से इसका ज़ायका होगा, इसमें काली मिर्च का ज़ायका आ रहा था और हल्की सी चीनी है इसके अंदर, हल्का सा नमक है। बस अब सब हो गया, दम पे है चावल, इंशाल्लाह अब उसको जो हम टॉपिंग करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। सो डिश आउट करने का टाइम आ गया है और ये फाइनल लुक है, अभी इसको हम सर्विंग करेंगे, और सर्विंग करके इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये डिश आउट हमने कर लिया है, राइस के ऊपर जो है वो चिकन की जो बोटियाँ थीं जो हमने रख दी हैं, और अब जो है वो थोड़ा सा इसमें जा रहा है केचप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और ये है मेयोनीज। ये टेस्ट इन्हांस होगा इससे। और अब इसमें जो लास्ट टॉपिंग होगी वो होगी किसी भी पापड़ की, कोई पापड़ डाल सकते हैं, ये पापड़ चले गए, आप कोई भी पापड़ डाल सकते हैं, लेस भी डाल सकते हैं, मुझे रिंग पापड़ मेरे पास अवेलेबल है, मैंने रिंग पापड़ डाल दिए। तो ये हो गई प्रॉपर डिश, ये अरेबियन राइस बना दिए हैं। जद्दा में रहते थे हम लोग तो वो कुछ इसी सिमिलर टाइप की चीज़ बना के देते थे, लेकिन इसमें वेरिएशन की है मैंने। वो लोग जो है वो समोसे डालते थे इसके ऊपर, कड़क, थोड़ा सा कड़क लुक, मतलब थोड़ा सा स्नैक टाइप पे जो है वो इसमें समोसे, स्मॉल समोसे डाल के देते थे। तो ये है फाइनल डिश, ज़बरदस्त किस्म की, इसको बनाएं अफ्तार में खाएं, मज़ेदार डिश, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। इस पर प्रॉपर रेसिपी है, उसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें शफक्स डायरी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।